हेलो एवरीवन, लेक्चर पावर बीआई के लेक्चर 11 में प्रीपेयर डेटा के मॉड्यूल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डेटा की प्रोफाइलिंग किस तरीके से करते हैं, डेटा प्रोफाइलिंग क्या होती है। सो डेटा प्रोफाइलिंग इज जस्ट द अर्ली गो थ्रू ऑफ द डेटा दैट वी आर गोइंग टू विजुअलाइज और डैशबोर्डिंग ऑन दैट। सो इसमें हम क्या करते हैं कि डेटा की प्रोफाइलिंग हम अर्ली स्टेज पे कर लेते हैं, हम डेटा के साथ कुछ और किए बगैर, मतलब डेटा की विजुअलाइजेशन से पहले या डेटा की मॉडलिंग से पहले हम क्या करते हैं फाइल डेटा कर लेते हैं, ताकि हमें अपने अर्ली स्टेज पर अगर डेटा में कोई एरर है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, कुछ वैल्यूज लॉस काउंट का कोई प्रॉब्लम है, तो हमें अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, इसको करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं प्रोफाइलिंग के, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल एंड देन कॉलम क्वालिटी। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फीचर है जो कि क्या बता रहा होता है, डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज का काउंट बता रहा होता है सिंपल। अब देखिए, डिस्टिंक्ट और यूनिक जो है सुनने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें स्लाइट सा डिफरेंस है, और वो ये कि डिस्टिंक्ट का ये मतलब है कि काउंट करता है उन तमाम वैल्यूज को जो कि अगर एक बार से ज्यादा भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें 1, 2, 2 और 3 है, तो इसको इसकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी वो 3 होंगी। या फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर कोई एक ऐसा डेटा है जिसमें हमारे पास 3 4 नाम है, ए बी बी सी, ठीक है, तो ए बी बी सी, तो इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी होंगी? 3 होंगी, 4 नहीं होंगी। एक को एक काउंट करेगा, बी बी जो 2 बार है जिनकी रिपीटेशन हुई भी है उसको भी एक ही काउंट करेगा, एंड सी को एक काउंट करेगा। तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी हो गई? 3 हो गई। यूनिक का क्या मतलब है? यूनिक वैल्यूज वो होती है कि जो रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास बी और बी 2 बार रिपीटेशन हो रही है उसकी, तो यूनिक वैल्यू 0 होगी। सो आई होप आप लोगों को ये इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इसमें जिसमें हमारे पास डेट्स की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमारे पास 7 यूनिक डेट्स है, मतलब वो और रिपीट नहीं हो रही, लेकिन कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं? इतनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। यूनिक वैल्यू ने उन चीजों को माइनस कर दिया जो रिपीट हो रही थी, जो सिर्फ वन टाइम अपियर हो रही थी, तो वो यूनिक वैल्यूज हैं। लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यूज वो हैं जो कि मोर देन वन टाइम भी अपियर हो रही थी, बट उसने काउंट एक ही किया। जैसे यहाँ पे 5/8/2022 या 5/8/2022 जो है 4 बार अपियर हो रहा है, तो उसने 4 बार एड नहीं किया, उसने सिंगल टाइम एड किया है। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ के डिस्टिंक्ट और यूनिक का क्या डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कॉलम प्रोफाइल की। कॉलम प्रोफाइलिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक इन डेप्थ लुक देखते हैं, उसमें हम डेटा की स्टेटिस्टिक्स भी देखते हैं, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये 1,000 रोज की स्टेटिस्टिक्स बता रहा होता है। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास क्या है कि हमारे पास कितनी नल वैल्यूज हैं, कितनी जीरो जीरोज आ रहे हैं, एवरेज वैल्यू क्या है, एंड इवन और ऑड वैल्यूज कितनी है। तो ये स्टेटिस्टिक्स हमें कॉलम प्रोफाइलिंग से पता चलती है। एंड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ होता है जो कि हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट वैल्यू स्पेसिफिक कॉलम पे बता रहा होता है। एक चीज होती है कॉलम क्वालिटी। कॉलम क्वालिटी में हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा कितना वैलिड है, हमारे डेटा में कितना कितने एरर्स हैं, कितने परसेंट एरर्स हैं, हमारा डेटा कितना खाली है। तो ऑल दिस थिंग्स आर, या ये सारी चीजें जो हमें कॉलम क्वालिटी में जाके पता चलती है। अब हम देख लेते हैं कि पावर बीआई के ऊपर हम डेटा की प्रोफाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। पावर बीआई के ऊपर डेटा की प्रोफाइलिंग करने का सिंपल सा तरीका ये कि सबसे पहले आपने डेटा एक्सपोर्ट कर लेना है कि जिस डेटा की आप प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। मैंने ये ले लेती हूँ। Sheet 1 या टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड देन विल गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है जी, पावर क्यूरी एडिटर हमारा खुल चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल व्यू में जाना है एंड यहाँ पे चेक लगा देना है। ठीक है, कॉलम क्वालिटी पे ऑलरेडी चेक लगा हुआ है, बता रहे कि हमारा डेटा 100% वैलिड है, 0% एरर है और 0% एम्प्टी है। सो अब मैं इसको अनचेक करके कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ। तो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन हमारी आ रही है कि 953 डिस्टिंक्ट है और ये इतनी यूनिक है। अब देखिए कि सबसे ज्यादा इसमें देखिए कि 2 डिस्टिंक्ट है, इसमें आप लोगों को यूनिक और कॉलम डिस्टिंक्ट का फर्क पता चल जाएगा। 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना, मतलब भले वो मल्टीपल टाइम्स अपियर हो रही है, फीमेल 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 इज अपियरिंग मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, और इसमें यूनिक वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टाइम्स अपियर हो रही है, तो इसलिए हमारी यूनिक वैल्यू 0 है। यूनिक वैल्यू शुड अपियर ओनली वंस। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन।
अच्छा, कॉलम प्रोफाइलिंग की बात कर लेते हैं। कॉलम प्रोफाइलिंग में हमारे पास दो चीजें शो होती हैं। हमारे पास कॉलम स्टेटिस्टिक्स शो होती है, जिसमें हम क्या देखते होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ नल्स, ऑल दिस थिंग, और क्या होता है, वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ आता होता है। तो लेट्स सी, ठीक है जी। तो अब देखिए, मैंने जेंडर सिलेक्ट कर लिया है, यस, कैजुअल डे सिलेक्ट कर लिया है। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास कॉलम स्टेटस भी बता रहा है कि जीरो एरर है, जीरो इतने डिस्टेंट है, इतना मिनिमम है और इतना मैक्सिमम है, और एवरेज ये हमारे पास, और ये हमारे पास वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा है ये सारी चीजें। तो दीज थिंग्स आर के हम कैसे देख सकते हैं अर्ली स्टेज पे अपने डेटा के, कि हमारा डेटा कितना हेल्दी है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा प्रोफाइलिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड, फॉलो फॉर मोर।